तो वही एमपी में बाल गृह चलाने वाले एनजीओ के फंडिंग पर रोक लगेगी। और अब आगे बढ़ेंगे, जहां इन दिनों लगातार बारिश देखी जा रही है और पूरे प्रदेश में इस वक्त बारिश जोरों शोरों से हो रही है। बारिश ने पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। तो वही भिंड के गोहद में बैसली डैम ओवरफ्लो हो चुका है, जिसकी वजह से करीब 100 से ज्यादा गांव बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। और दूसरी तरफ डैम ओवरफ्लो होने पर लोगों के लिए पिकनिक स्पॉट बन गया है, लोग जान दांव पर लगाकर देखने पहुंच रहे हैं, जबकि प्रशासन डैम के पास नहीं जाने के लिए लगातार अपील भी कर रहा है। एक और तस्वीर सामने आई है, जहाँ गोहद सहित निचले इलाकों के 100 के करीब गाँव में पानी भर गया है, लोग जान पर खेलकर सड़क पार कर रहे हैं। न्यूज 18 की टीम बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में पहुंची और स्थिति का जायजा लिया गया। तो आप ये देखिए कि निचले इलाकों में पानी भरा हुआ है और यहां पर लोग पिकनिक मनाने के लिए पहुंच रहे हैं, जबकि प्रशासन लगातार मना कर रहा है, अपील भी कर रहा है कि पानी वाले इलाकों में ना जाएं, उसके बावजूद लोग यहां जाते हैं। तमाम जो डैम है वो ओवरफ्लो हो चुके हैं और इसकी वजह से 100 से ज़्यादा गांव बाढ़ की चपेट में आ चुके हैं। दूसरी तरफ डैम ओवरफ्लो होने पर लोगों के लिए पिकनिक स्पॉट बना हुआ है, लोग यहाँ पर इसे देखने के लिए पहुँचते हैं, पिकनिक मनाने के लिए पहुँचते हैं, जबकि प्रशासन लगातार जागरूक कर रहा है, अपील कर रहा है कि डैम के पास आपको नहीं जाना है। अलग अलग तस्वीरें सामने आई हैं, जहाँ पर कुछ लोगों का रेस्क्यू भी किया गया। टीम साहब ने बताया 30% गाँव में जो है बाढ़ की स्थिति है और ये काफ़ी विकट है, क्योंकि जो है 1990 के बाद सभी लोग बता रहे हैं कि 90 का 34 साल के बाद ऐसी बाढ़ यहाँ पे देखने को मिली है। और ये बेसली डैम का पानी भी जो आप देख रहे होंगे सारे जगह से जो सोर्सेस आते हैं, तो यहाँ भी जो फ्लो के पानी गिर रही है। इस संबंध में लगातार आवश्यक जो है सुरक्षा संबंधी निर्देश जो है गाँव वालों को दे रहे हैं, और लगातार जैसे कि आप देख रहे होंगे चितौरा मोड़ रोड जो है वहाँ पर बख्तरा के पास जो है वहाँ पर क्षतिग्रस्त हो गई है, या जो बेसली डैम पर ओवरफ्लो है, तो यहाँ पर पुलिस स्टाफ और लगातार बैरिकेडिंग सब जगह व्यवस्था की, कोई व्यक्ति जो है ऐसे जल भराव क्षेत्रों में ना जाए। देखिए, जो गोहद क्षेत्र में बेसली डैम से जो डाउन स्ट्रीम है उसमें धमसा, खेतौली और आगे महगांव तक के गांव हैं, क्योंकि पानी का डिस्चार्ज काफ़ी तेज़ है और काफ़ी ज़्यादा है, और रात में 2 बजे तक यह बढ़ रहा था, उसके बाद से कम होना चालू हुआ है, तो अब धीरे धीरे थोड़ा पानी उतरना चालू होगा। मेरी सभी गाँव वासियों से हम लोग गए भी हैं, धमसा और खेतौली में गए भी हैं, वहाँ पर बताया गया है, लोगों को ऊंचाई पर शिफ्ट भी किया गया है स्कूलों में या अन्य सरकारी बिल्डिंग या अपने उनके परिजनों के यहाँ पे, रिश्तेदारों के यहाँ पे। विधायक जी, इस समय मौका मुआयना करने आप आए हैं, बेसली जो बांध है, डैम है, ये कितने वर्षों बाद इतना ओवरफ्लो हुआ है? ये 90 में आया था, 90 में बताया लोग, हमारे पुरखास जिन्होंने बताया कि 90 में इस स्थिति, उसके बाद 9 में आई थी बाढ़, 9 में ऐसी नहीं है, 90 में ज्यादा है। उसके अब की बार तो ये हुआ है कि अपना जो मुरैना और ग्वालियर जो अपना डैम है वो तेरा बांध, उसके गेट खोल दिए गए हैं और मुरैना के आधे हिस्सा मुरैना का पानी इसमें, अपनी बेलाटी क्षेत्र का पानी, तो इसलिए ओवरफुल पानी हो रहा है। कितने गांव के लोगों को रेस्क्यू करके अभी तक बाहर निकाला जा चुका है और कितने लोग अभी फंसे हुए हैं? 8 गाँव की तो इसी आलोरी एच आया है, ठीक है, इसी हॉस्पिटल में निकाले सवेरे 25 लोगों को, तो इसमें से निकाले, और हमारे पपरौली में एक पवैयन का पुरा है, मावी मसीह अभी उसको भेजा है। शासन की ओर से कलेक्टर साहब आए थे, डीएम और एसपी आए थे, क्या मुआयना किया है, क्या आगे की रणनीति बनाई है? लगातार ये जो पानी है वो निचले इलाकों में पहुंचता चला जा रहा है, उनकी मुहैया कराया उनने, उनका कहना यह है कि अब थोड़ी बारिश कम हो तब अपन व्यवस्था करें, हर चीज रास्ता टूट गई रास्ता अपन बनवाएंगे, जनता के मकान गिरे उनकी सर्वे कराएंगे, उनका मुआवजा दिलवाएंगे, और जनहानि तो वैसे इसी कृपा से हमारे बहुत विधानसभा हुई नहीं है। और संवाददाता रवि रमन त्रिपाठी जुड़ गए। रवि रमन, अब बांध जो है वो ओवरफ्लो हो चुके हैं, आसपास का जल भराव हो रहा है, उसके बावजूद लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं, कोई रोक टोक नहीं, जबकि अपील की जा रही बार बार प्रशासन की तरफ से। जी, मैं आपको बताऊं कि गोहद पे बने हुए बैसली बांध के द्वारा जो पानी जो है ओवरफ्लो हो चुका है, और उसके पानी के जो तेज बहाव के कारण आसपास के कई 100 से अधिक गांव इस समय बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। वहीं अगर यदि गोहद कस्बे की बात की जाए तो वहां पर निचले इलाकों में बाढ़ों में पानी भर चुका है, प्रशासन अलर्ट मूड में है। स्वयं भिंड कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव, एसपी डॉक्टर असित यादव के साथ लगातार बाढ़ पीड़ितों के बीच मौका मुआयना कर रहे हैं। इस वक्त हम भी
भिंड विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले चुन्नई गांव में है और इस समय ग्राउंड जीरो पर न्यूज 18 की टीम बाढ़ पीड़ितों के बीच पहुंच चुकी है। लेकिन यहां पर मैं बताऊं आपको, सुरक्षा के लिहाज से पुलिस ने बैरिकेडिंग कर दी है, रोक दिया गया है। सर, ये बैरिकेडिंग की गई है, सर क्या है बताएं जरा। ग्राम चिन्नई में जो है आम लोगों की जान की देख रेख के लिए, लोगों को पानी में गहराई में जाने से रोकने के लिए थाना देहात का बल लगा हुआ है। मुस्तैदी से हम लोग लगे हुए हैं लोगों की जान जोखिम से बचाने के लिए। कुछ ग्रामीण भी हमारे साथ हैं। दादा, आपके गांव में जो बाढ़ का पानी भर चुका है, किस नदी का प्रकोप है? बेचली नदी का। तो क्या आप तक क्या मतलब पहले से प्रशासन ने मुनादी कराई थी आप लोगों को, क्या समस्या हो रही है बताएं जरा। डूब में आ गए गांव डूब में आ गए। कितना नुकसान हो गया होगा, क्या कैसे आप कुछ शासन प्रशासन की ओर से कोई मदद हुई है जी? आगा कुछ नहीं भाई। अच्छा, बिल्कुल, यानी कि यहाँ पर परेशानी आपके पास है। रवि रमन, आप अपनी बात लगातार जारी रखिए, बहुत शुक्रिया तमाम तस्वीरें दिखाने के लिए। और अब आगे बढ़ेंगे, जहां मुरैना में नाले में बहे दो व्यक्तियों की तलाश जारी है। एसडीआरएफ की टीम दोनों शवों को कर रही तलाश, 24 घंटे बाद भी दोनों का शव नहीं मिला है। कैलारस से सिंगरौली ट्रैक्टर लेकर जा रहे थे तीन व्यक्ति, ट्रैक्टर के साथ नाले में बहे थे दो लोग। खेड़ा गांव के पास बने रपटे की पूरी घटना बताई गई है। खबर मुरैना से, जहां नाले में बहे दो व्यक्तियों की तलाश की जा रही है। एसडीआरएफ की टीम दोनों शवों की कर रही तलाश, 24 घंटे बाद भी नहीं मिला दोनों का शव। क्यालारस से सिंगरौली ट्रैक्टर लेकर जा रहे थे तीन व्यक्ति और इसी दौरान ट्रैक्टर के साथ नाले में बह गए दो लोग। खेड़ा गांव के पास बने रपटे की घटना बताई गई है, लगातार तलाश की जा रही है। और संवाददाता अमित शर्मा जुड़ गया। अमित, ये कैसे हादसा हुआ था और अभी जो दो लोग की तलाश की जा रही है, क्या कोई अपडेट मिल पाए उनसे संबंधित? बिल्कुल, देखिए ये हादसा कैलारस थाना क्षेत्र के खेरा कला गांव का है, जहां पर तीन व्यक्ति ट्रैक्टर लेकर के सेटरिंग का सामान, यानी कि मकान की डेंटिंग पेंटिंग और रिपेयरिंग करने के लिए सामान लेकर के कैलारस से अपने गांव सिंगरौली जा रहे थे। इसी दौरान तेज बहाव आया रपटे में और इस दौरान वहां पर कोई मौजूद नहीं था स्थानीय लोगों के अलावा। अगर पुलिस और प्रशासन की टीमें अगर वहां पर मौजूद होती तो तेज बहाव यानी कि रपटे के ऊपर से 3 से 4 फीट पानी बह रहा था। इस दौरान ट्रैक्टर चालक की लापरवाही रही कि उस दौरान ट्रैक्टर को क्रॉस किया और इस दौरान ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर के नाले में बह गया। इस दौरान ट्रैक्टर चालक था, उसने तो अपनी कूद करके जान बचा ली, लेकिन जो दो अन्य लोग सवार थे वह नहीं बचा पाया। इस दौरान वो बह गए थे और ट्रैक्टर भी बह गया, जिस वजह से दो व्यक्ति अभी भी लापता हैं। उनकी तलाश बीते रोज भी कल 11 बजे के लापता हुए हैं, लेकिन कल भी जो एसडीआरएफ की टीम है उसने 2 घंटे तक तलाश की, उसके बाद भी सुराग नहीं लगा। अब सुबह से ही फिर एसडीआरएफ की टीम अभी तक हाथ खाली है टीम के। बहुत शुक्रिया आपका भी तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और अब आगे बढ़ेंगे, जहां एमपी में बाल गृह चलाने वाले एनजीओ की फंडिंग पर लगेगी रोक। अगले वित्तीय वर्ष से फंडिंग पर रोक लगेगी। प्रदेश में 200 से अधिक बाल गृह संचालित हैं, केंद्र से मिलने वाली फंड से हो रहे संचालित। भारत सरकार देती है 60% राशि। दिल्ली में प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड की बैठक में प्रस्ताव को लेकर मंजूरी मिली है। बैठक में एमपी महिला एवं बाल विकास विभाग के अफसर भी शामिल थे। राज्य सरकार या खुद एनजीओ को अपने खर्चे से संचालित करने होंगे बाल गृह। तो एमपी में बाल गृह चलाने वाले एनजीओ की फंडिंग पर अब रोक लगेगी। अगले वित्तीय वर्ष से फंडिंग पर रोक लगाई जाएगी। प्रदेश में 200 से अधिक बाल गृह संचालित हैं, केंद्र से मिलने वाली फंड से हो रहे हैं संचालित। भारत सरकार देती है 60% राशि। दिल्ली में प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड की बैठक में प्रस्ताव को मंजूरी मिली। और संवाददाता शैलेंद्र भदौरिया जुड़ गया। शैलेंद्र, अब बाल गृह चलाने वाले एनजीओ की फंडिंग पर रोक की बात कही जा रही है। बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, पिछले दिनों पीएबी की दिल्ली में बैठक हुई थी, इसमें मध्य प्रदेश सरकार की महिला बाल विकास मंत्री और अधिकारी भी शामिल हुए थे। उस बैठक में निर्णय लिया गया है कि मध्य प्रदेश में 200 से अधिक जो शेल्टर होम बाल गृह चल रहे हैं, जिसमें 28,000 बच्चे जो है वो निवास करते हैं। तो ऐसे जो एनजीओ चला रहे हैं, इनको सब एनजीओ संचालित कर रहे हैं, तो एनजीओ को अब जो सरकार फंडिंग देती थी वो सरकार फंडिंग देना बंद करेगी, बल्कि इन शेल्टर होम का या बाल गृह जो है उनका या तो मध्य प्रदेश की सरकार अपने बहन खर्चे पर उनका संचालन करे, या फिर जो एनजीओ को जो फंडिंग मिलती है सीएसआर फंड के तहत उसके जरिए वो संचालित करें, लेकिन केंद्र सरकार उनको किसी तरह की मदद उपलब्ध नहीं कराएगी। कहीं ना कहीं कुछ न कुछ गड़बड़ियों की शिकायत भी मध्य प्रदेश को मिली थी, जिसके चलते ये निर्णय लिया गया है। शुक्रिया आपका जानकारी के लिए शैलेंद्र।